केंद्र सरकार की जिस हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध हो रहा है, उसके तहत अगर कोई ट्रक या फिर डंपर ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है, उसको टक्कर मारकर भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। इसी के साथ जुर्माना भी भरना होगा। अब इस मामले पर सरकार का कहना है कि ये नया कानून लागू ही नहीं हुआ, लेकिन देश भर में विरोध की स्थिति आखिर क्यों? मौजूदा कानून के तहत इस तरह के मामलों में कुछ ही दिन में आरोपी चालक को जमानत मिल जाती थी। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नया जो कानून बना है इसमें सजा 10 साल कर दी गई, साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। इसी कानून के विरोध में बड़े वाहन चालकों ने पूरे देश में हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से कई शहरों में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई। पेट्रोल डीजल के लिए कतारें लगने लगी। कुछ शहरों में डीजल पेट्रोल देने की सीमा भी तय कर दी गई। कई जगहों पर तेल खत्म होने की बातें कही गईं, जिसके बाद लोगों की भीड़ लगातार लगने लगी, लगातार किल्लतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच मंगलवार को पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन के लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में जब आश्वासन मिला तो संगठन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गया। हिट एंड रन कानून में नए कानून पर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई। सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का फैसला हुआ। इसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने कहा कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं। सरकार की ओर से संगठन को आश्वासन दिया गया कि फिलहाल कानून लागू नहीं होगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो इसको लेकर संगठन के साथ चर्चा की जाएगी। इस पूरे विरोध प्रदर्शन और सरकार से हुई बातचीत पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मलकीत सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, इन्हें भी सुनिए। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं होगा। हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और आपको इस चक्का जाम की स्थिति ने कितना कुछ प्रभावित किया, कॉमेंट करके बताइए।